तो गाइज जब भी मैं फ्री टाइम में ऐसे ही बैठा रहता हूँ तो मैं अपना स्मार्टफोन लेता हूँ, यूट्यूब ओपन करता हूँ और गाइज उसमें मैं हमेशा रिसर्च करते रहता हूँ कि गाइज कोई भी ऐसी फीचर्स मिल जाए जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, या फिर कोई भी ऐसी सेटिंग मिल जाए जो कि मेरे चैनल को ग्रो कर सके, या फिर मैं जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई मेरे लिए वहाँ पर फ़ायदा हो। तो गाइज जैसे ही मैं अब जब अपना यूट्यूब ओपन कर रहा था और वहाँ पर रिसर्च कर रहा था तो गाइज मुझे एक बहुत ही कमाल की सेटिंग मिल गई जो कि शायद आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो गाइज मुझे एक सेटिंग मिली जिसके थ्रू हम अपने यूट्यूब चैनल को हाइड कर सकते हैं। हाइड यानी कि गाइज अपना पूरा चैनल को हम छुपा सकते हैं, पूरे वीडियो छुपा सकते हैं, सारा चीज़ हम छुपा सकते हैं, जो भी कम्युनिटी पोस्ट हो सारा चीज़ हम हाइड कर सकते हैं। और गाइज वो भी हम टेम्प्रेरी हाइड कर सकते हैं, जितना देर तक चाहे उतना देर तक हाइड कर सकते हैं, फिर उसे हम दोबारा अनहाइड भी कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, और फिर आपको हम दोबारा सिखाएंगे कि अपने चैनल को फिर से हम कैसे अनहाइड कर सकते हैं। तो गाइज आप सोचेंगे कि जो प्रोसेस होगा हाइड करने का सेम वही तरीका होगा अनहाइड करने का, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हाइड करने का जो प्रोसेस है वो अनहाइड करने के प्रोसेस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। फ्यूचर में अगर आपको भी कभी अपना चैनल हाइड करने की जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो भाई ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, अब चलिए हम सीधे अपने स्मार्टफोन पर ले चलेंगे और वहाँ बताते हैं कि कौन सी सेटिंग कैसे से यूज़ करना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चैनल देख सकते हैं, ऑन क्लिक क्रिएशन, ये मेरा ही एक चैनल है। तो यहाँ पर अभी मैं चैनल पे जाता हूँ तो यहाँ पर वीडियोस वाले सेक्शन पे जाते हैं, सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे और यहाँ पर होम वाले आते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं चैनल के जो वीडियोस है सारा भी आपको अनहाइड दिख रहा होगा। तो गाइस इसी चैनल को हम हाइड करेंगे, तब देखिएगा गाइस क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले आपको करना है कि अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और उसको आपको डेस्कटॉप साइट इनेबल करनी है और फिर वहाँ पर आपको यूट्यूब ओपन करना है और सेम इसी अकाउंट वो वहाँ पर लॉग इन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे क्रोम में मेरा यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब हम यू कॉर्नर पर आपको दिखा दें तो गाइज वो सेम हमने वहाँ पे अकाउंट को लॉगिन कर लिया जो अकाउंट हम हाइड करने वाले हैं, और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट इनेबल करना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब गाइज आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कॉर्नर पर 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, 3 लाइन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करनी है। तो गाइज क्लिक करने के बाद आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो उस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे साइड में एक आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस सेटिंग का, तो उस पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करते ही गाइज आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डिलीट चैनल का, तो गाइज सिंपल से आपको उस पर क्लिक करनी है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करनी है। गाइज अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा, सबसे ऊपर में आपको दिखेगा आई वांट टू हाइड माई चैनल और सेकेंड में एक ऑप्शन मिलेगा आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माई कॉन्टेंट। तो सिंपल से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 बॉक्स को यहाँ पर आपको टिक कर देनी है और यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ बताया गया है। अब गाइज इसके बाद आपको नीचे हाइड माई चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करनी है, तो फिर से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड माई कंटेंट, तो उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा तो आपके चैनल का जो भी वीडियोज़ होगा सारा वीडियोज़ ईजिली हाइड हो जाएगा। अब चलिए हम अपना यूट्यूब ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा जो वीडियोज़ है, जो हमारा कंटेंट है, सारा हाइड हुआ है या नहीं। तो गाइज हम अपने YouTube एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, अब ऊपर सर्च बार में अपना चैनल सर्च करते हैं। तो गाइज जैसे हमने अपना चैनल सर्च किया तो गाइज मेरा चैनल तो ऊपर अभी तक नहीं आ रहा है, जो कि मेरा चैनल बिल्कुल सर्च में 1 नंबर पर आता था। अब हम यहाँ पर फिल्टर कर लेते हैं, तो गाइज फिल्टर में भी देख सकते हैं जो मेरा चैनल था ऑन क्लिक क्रिएशन वो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है। तो गाइज जो मेरा चैनल है वो बिल्कुल हाइड हो चुका है। अब हम अपने चैनल के लोगों पर क्लिक करके जब योर चैनल के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जो चैनल पूरा डैशबोर्ड आ जाना चाहिए था यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि गाइज जो मेरा जो चैनल है वो सक्सेसफुली हाइड हो चुका है। अब हम चलिए आपको सिखाते हैं कि जब चैनल हाइड हो जाता है फिर हम उसे कैसे अनहाइड करेंगे। तो गाइस चैनल अनहाइड करने के लिए आपको सबसे पहले अपना यूट्यूब एप्लीकेशन में आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है जिस चैनल को आपने हाइड किया है। इसके बाद आपको ऊपर लोगो के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और योर चैनल के ऑप्शन पर आ जाना है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा, आपको क्रिएट चैनल का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का व्यू आ जाएगा, वीडियोज़ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तब भी आपको यहाँ पर कोई वीडियोज़ देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप आपको करना क्या है, अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसमें आपको यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करनी है। यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाने के बाद आपको सेकेंड में एक कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करनी है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज आपके सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे, जो कि सारे वीडियोज़ यहाँ पर आप विजिबिलिटी में देखेंगे तो सारे प्राइवेट दिखेंगे। तो अब आपको करना क्या है, ऊपर एक वीडियोज़ का एक बॉक्स मिलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी वीडियोज़ होंगे यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वीडियो सेलेक्ट हो जाने के बाद एक एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको जो प्राइवेट दिख रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पर पब्लिक सेलेक्ट करनी है और साइड में फिर आपको एक अपडेट वीडियोज़ का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर देनी है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, उसको टिक करके अपडेट वीडियोस पे ऑप्शन पे क्लिक करनी है। तो सारा वीडियो पब्लिक हो जाने के बाद हम फिर से अपना यूट्यूब एप्लीकेशन में आ चुके हैं, सर्च बार में जाकर अपना चैनल सर्च करते हैं तो बिल्कुल 1 नंबर पे हमारा चैनल आ चुका है, जो हमने हाइड किया था वो सक्सेसफुली अनहाइड हो चुका है।
गाइस देखा ये सेटिंग कितनी कमाल की है। और यहाँ पर एक और फीचर थी जहाँ पर हम अपने चैनल को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा कि अपने चैनल को हम कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। वैसे गाइस आपको ये जो मैंने दोनों चीज़ बताया है, कैसे हाइड करना है कैसे अनहाइड करना है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। नहीं आया हो तो नीचे कमेंट है, नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर आपको रिप्लाई दूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। तो गाइस आई होप आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोज अगर आप आगे पाना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।